गाना है वो लड़की के लिए शॉकर है बहुत बड़ा, तो इसलिए मैं थोड़े ही वक्त के लिए हूँ गाने के अंदर. सो या दैट्स अबाउट इट. मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि डायरेक्टर यहीं पर बैठे हैं, तो अगर आपको ज़्यादा ब्रीफ जानना है तो वही अच्छे से बता पाए. ओके, उसके अलावा जो मुझे जो हमें पता चला है व्हाइल टेकिंग द वाइफ्स ऑफ डायरेक्टर एंड अदर एक्टर, बीवी नंबर वन की याद दिलाएगा क्या अपने शौहर को ढूंढते हुए कि मेरा पति कहाँ मस्ती कर रहा है, किन लड़कियों के पीछे भाग रहा है, ऐसा कुछ? एक्चुअली ये लड़की जो है वो अपने पति को सबक सिखाने के लिए बाहर निकली है, तो हाँ मतलब एक आप कह सकते हैं कि मतलब वैसा कुछ है, पर कम्प्लीटली वैसा नहीं है. मतलब दो तीन जगह आपको लगेगा, बट मूवी इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट. देयर आर लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द फिल्म एंड इट्स मोर लाइक अ रोलर कोस्टर. ओके ऋषि, आप क्या कहना चाहेंगे आज के गाने के बारे में? क्या ये आइटम सॉन्ग होगा या सिचुएशनल सॉन्ग होगा? ये सिचुएशनल सॉन्ग भी है, आइटम सॉन्ग मिक्स है. ये स्टोरी को हमारे आगे लेके जाएगा ये वाला सॉन्ग जो है. और आज हमारा थर्ड डे है सॉन्ग सीक्वेंस का, और तीन दिन से हमारा डांस ही चल रहा है यहाँ पर. तो इसी डांस के दौरान डेजी आती है और कुछ इंसिडेंट्स होता है यहाँ पर ऐसा. तो बाकी तो स्टोरी जैसे जैसे असलियत पता चलती है कि ये राम नहीं है, ये कोई और है, ये रावण ऐसा कुछ. क्योंकि पूरा का पूरा डांस फ्लोर है, क्योंकि डांस ही डांस होने वाला है, और आप बहुत थोड़े से वक्त के लिए हैं, वो भी कहीं छुप छुपा के आती हैं जासूसी कर रही हैं जी. आप डांस को कितना मिस कर रही हैं कि काश मैं भी इस गाने का हिस्सा होती? एक्चुअली जब भी, क्योंकि लोग जानते हैं कि डांस जो है वो मैं काफ़ी सालों से करती आ रही हूँ और वो मेरा एक्चुअली फोर्टे है, बट अगेन मतलब वो एक यू नो एक माइंड सेट बन जाता है कि अगर डेजी है तो डांस, अगर सॉन्ग होगा तो डेजी डांस करेगी, ये करेगी. नो, बट दिस इज़ नॉट द केस स्पेशली इन दिस सॉन्ग. मुझे एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है पहली बार गाने के अंदर, तो आई एम रियली हैप्पी. एक पंच सवाल जय हिंद में तो फोटो भी चल से, फोटो कॉपी भी चल से, यहाँ क्या चल से? हाँ, जय हिंद में तो फोटो भी चल से, फोटो कॉपी भी चल से. जय हो में इसमें क्या चल से? इसमें क्या चल से? इसमें जैसे आपने कहा कि पंच सवाल, तो इसके अंदर पंच चल से. गोविंद जी आप क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? जैसे मेरे हीरो ने बताया, ऋषि जी ने, और हमारी होनहार अदाकार दीजी शाह जी ने बताया, वो सही बताया कि जो है वो एक्टिंग करेंगे ये और स्क्रिप्ट को आगे लेके चलेंगे, सही बता रहे हैं. ओके, भक्ति दा भी म्यूजिक एल्बम का हिस्सा है, उसके बारे में क्या? हाँ, इसमें गाने में जब मैंने गाना रिकॉर्ड किया तो उसके रैप टाइप की एक लाइन है इसमें, तो भक्ति दा पहले से बोल रहे थे गोविंद मैं तुझे गाने में एंट्री लेना चाहता हूँ. मैंने कहा तो आ जाइए, तो आ रहे हैं, वो आ जाएंगे गाने में. इसके दो लाइनें हैं रैप की. बप्पी दा की अपनी एक अलग स्टाइल है एंड लोग उनको पसंद भी बहुत करते हैं. सो आई मीन इट्स अ गुड थिंग दैट ही हिमसेल्फ हैज इनिशिएटेड द थिंग सेइंग दैट मुझे खुद को ये गाने में एक छोटा सा पार्ट करना है. सो या वी आर लकी दैट वे. I hope you take it on a positive note. एक सोलो फिल्म, मतलब सोलो इससे पहले भी आपने फिल्में की, लेकिन एक पूरी जिम्मेदारी आपके कंधे से होगी. और हम लोग सीनियर एक्सपीरियंस पर्सन हैं. सीनियर तो ऐसा बोल दिया था. सीनियर तो राजपाल यादव है, नॉट इन टर्म्स ऑफ नो टॉक अबाउट द लीडिंग लेडी ऑफ फिल्म. या तो आर यू नर्वस एक्साइटेड? आई एम नर्वस एंड एक्साइटेड बोथ एट द सेम टाइम. आई मीन मैं एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती हूँ कैरेक्टर और स्क्रिप्ट को देख के. बाकी फिल्म को आगे ले जाना तो वो प्रोडक्शन हाउस की जिम्मेदारी होती है, या कौन से कॉर्पोरेट हाउस के साथ वो लोग टाई अप करते हैं. सो वो एक आफ्टर स्टोरी होती है मूवी बनने के बाद. तो आई मीन आई विल डू माय वर्क, आई विल मेक श्योर कि मैं 200% मेरे काम के अंदर दूँ आगे. अभी भगवान जाने. थैंक यू. और ये है कि बप्पीदा जो है पहली बार डांस करने जा रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी अपने आप में एक्साइटिंग न्यूज़ है कि अब तक तो इन्होंने म्यूज़िक किया है, गाने गाए हैं, मगर वो फर्स्ट टाइम जो है वो डांस भी करने वाले हैं. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टू सी हिम डांस. यस, नहीं नहीं, लॉली सर मार देंगे मुझे. सीखे सिखाए को क्या सिखाना है. इस राम रतन के बारे में पहले तो ये बता दूँ कि मेरी फिल्म का जो टाइटल है, और एक है राम और ये है हमारी रतन, ये दो पहिए हैं हमारी फिल्म के, और दोनों मजबूत पहिए हैं. तो मुझे पता है कि हम 100 करोड़ की
बैंक जो है वो क्रॉस करके हमारी गाड़ी आगे निकल जाएगी। और इसमें मुझे लगता है और यकीन भी है कि डेजी शाह जी जो है बेहतरीन रोल करने वाली है, लोगों को चौंकाने वाली है कि ये डेजी शाह। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नेवर प्लेड दिस कैरेक्टर एवर, लाइक इवन इन माय साउथ फिल्म, सो इट इज अ वेरी मॉडर्न डे गर्ल, अ स्टोरी अबाउट अ न्यू मैरिड कपल एंड हाउ दे डील विद ऑल द प्रॉब्लम्स एंड देन हाउ लड़की को एक शौक लगता है बहुत बड़ा अपनी लाइफ का एंड देन शी डिसाइड्स टू टेक अ रिवेंज एंड make sure that her husband gets a lesson from what he's done. So yeah, that's what the film is all about. Rishi, aapke role ke bare mein bataiye, how does it feel playing Casanova? Casanova. Isse character jaise Daisy ne bata hi diya hai ki mera character kya hai. Main ka husband play kar raha hu aur kuch cheeze reveal hoti hain और उस रिवीलिंग के टाइम पे क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं और जो मेरा असली चेहरा है वो सामने आता है। तो इस तरह से कैरेक्टर, अभी टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट अबाउट द फिल्म राइट नाउ। जैसी जी आप बताइए, एज अ वुमन अगर आदमी फिलैंडरिक होना चाहिए तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? उसकी सजा लाइक वो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एज अ पर्सन आई रियली डोंट फॉलो और बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ टू पीपल हु नीड्स टू अंडरस्टैंड। सो फॉर मी लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन गेटिंग मैरिड। मैरिज इज एक्चुअली गेटिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द सोसाइटी के येस दीज टू पीपल आर टुगेदर, बट या दैट्स अबाउट इट। आई मीन इट्स अ वेरी very weird question first of all to answer right now because agar main wo mind space mein hu hi nahi to mere liye wo jawab dena bhi bahut mushkil ho jayega. aise ek sandesh bhi hai na ki kisi shaadi shuda aurat ke sath aisa ho jaye to ghar mat chhodo, isko seedha karo apne husband ko. ha matlab ek ladki ko strong hona chahiye, matlab agar ji ladki agar tyag dena bhi janti hai to sabak sikhana bhi janti hai. yes yes sir, aap bataiye aaj ki shooting mein kya hai? आज की शूटिंग में हमारे एक डेजी जी का जो हमारा कैरेक्टर है इसमें रतन का, उसको कुछ मैसेज मिलता है, इसको कोई कानों तक सुनाई देते हैं कि इसका हस्बैंड ऐसा है वैसे, तो देखने के लिए यहाँ आती है कि यहाँ आने के बाद वो सही में देखती है जो मेरी फ्रेंड बोल रही थी वो सही है, शॉक लगता है, फिर वो ठान लेती है अब उसको मुझे कैसे सुधारना है, सही रास्ते पर कैसे ला